दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है बायोजोग्राफी, नेचर एंड स्कोप। तो हम पहले बात करते हैं कि बायोजोग्राफी होता है क्या है। बेसिकली बायोजोग्राफी एक साइंटिफिक स्टडी है डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म का पास्ट एंड प्रेजेंट में, एंड ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि जोग्राफिक रेंज को शेप देते हैं। इसमें हम एक्सप्लोर करते हैं पैटर्न एंड जो डायनेमिक है स्पीसीज के डिस्ट्रीब्यूशन का स्पेस एंड टाइम में, एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि इस पैटर्न को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब अल्फ्रेड रसेल वैलेंस, उनके अकॉर्डिंग जो कि एक रेनाउंड नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर हैं, उन्होंने डिफाइन किया कि जो बायोजोग्राफी है वो स्टडी है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना एनिमल एंड प्लांट की। फिर चार्ल्स डार्विन आए जो कि एक रेनाउंड नेचुरलिस्ट एंड फादर है एवोल्यूशनरी थ्योरी के। इन्होंने बताया कि बायोजोग्राफी चाहे एक स्टडी है प्रेजेंट डिस्ट्रीब्यूशन होना ऑर्गेनिक बींग की एक स्टेट ऑफ नेचर में, एंड जो जियोलॉजिकल रिकॉर्ड है पास्ट के एग्जिस्टेंस को लेके। फिर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि एक जर्मन नेचुरलिस्ट एंड एक्सप्लोरर हैं, इन्होंने डिफाइन किया कि बायोजोग्राफी एक साइंस है जो कि डील करती है ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑन प्लांट्स एंड एनिमल का, एंड जो कॉजेस हैं उसके डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। अब हम ब्रांचेस ऑफ बायोजोग्राफी को डिस्कस करते हैं जिसकी 3 मेजर ब्रांचेस हैं। पहले आपकी फाइटोजोग्राफी, दूसरा है आपका जू ज्योग्राफी, तीसरा है आपका इकोलॉजी। तो जो फाइटोजोग्राफी है वो आपका 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। फाइटो, फाइटो का मतलब होता है प्लांट, एंड जोग्राफी है, जोग्राफिया का मतलब होता है जोग्राफी। तो इसमें हम स्टडी करते हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है प्लांट का डिफरेंट जोग्राफिक रीजन्स में। अब जो फाइटोजोग्राफी है उसकी 2 सब ब्रांचेज हैं। पहली आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव फाइटोजोग्राफी, जिसमें हम एक्चुअल डिस्क्रिप्शन देते हैं जो फ्लोरा जो कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पाए जाते हैं। दूसरा आता है आपका इंटरप्रेटिव फाइटोजोग्राफी, जिसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे एवोल्यूशन एंड माइग्रेशन हुआ प्लांट की स्पीशीज़ का वर्ल्ड में। अब जो फादर है फाइटोजोग्राफी के, उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। फिर आता है आपका जू ज्योग्राफी, जो कि डील करता है स्टडी करने में जो डिस्ट्रीब्यूशन है एनिमल्स का अर्थ के सर्फेस में। अब इसकी इसकी जो है वो सब ब्रांचेज हैं। अब इसकी 3 सब ब्रांचेज हैं। पहला आता है आपका डिस्क्रिप्टिव जू ज्योग्राफी, दूसरा आता है आपका कैजुअल जू ज्योग्राफी, तीसरा आता है आपका अप्लाइड जू ज्योग्राफी। अब इसकी भी फादर जो है, इन 3 ब्रांचेस की भी सब ब्रांचेस हैं। पहला अगर हम बात करें तो पहली आती है आपकी डिस्क्रिप्टिव जू ज्योग्राफी, जिसमें हम स्टडी करते हैं एनिमल और उनके हैबिटेट के बारे में। इसकी 4 मेजर सब ब्रांचेस हैं। पहले आती है आपकी बायोकोनेटिक जू ज्योग्राफी, जिसमें हम स्टडी करते हैं ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डायनेमिक होना कम्युनिटी का। दूसरा आता है आपका कोरोलॉजी जू ज्योग्राफी, जिसमें हम जो ज्योग्राफिकल रेंज है एनिमल की उनकी स्टडी करते हैं। फिर आती है आपकी फॉरेस्टिक जू ज्योग्राफी, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे डिस्कवरी हुई न्यू स्पीसीज की एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन की। फिर चौथा आता है आपका सिस्टमेटिक जू ज्योग्राफी, जिसमें हम स्टडी करते हैं जो लार्ज ग्रुप हैं एनिमल के उनके डिस्ट्रीब्यूशन की। इसमें आपके क्लासिफिकेशन एंड टैक्सोनॉमी आ जाती है लार्ज ग्रुप्स ऑफ एनिमल के उनके डिस्ट्रीब्यूशन की हम स्टडी करते हैं। फिर आता है आपका कैजुअल जू ज्योग्राफी, जो कि नाम से ही रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कॉजेस हैं, तो इसमें भी स्टडी करते हैं जो कॉजेस हैं एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जो कि एक्चुअली आज के प्रेजेंट डेज में पाए जाते हैं। अब आता है कैजुअल जू ज्योग्राफी की भी सब ब्रांचेस हैं 3। पहला आता है आपका इकोलॉजिकल जू ज्योग्राफी, जिसमें हम स्टडी करते हैं बायोटिक एंड जो अबायोटिक इंटरेक्शन जो कि अफेक्ट करता है एनिमल के डिस्ट्रीब्यूशन को। फिर आता है आपका हिस्टोरिकल जू ज्योग्राफी, जिसमें हम स्टडी एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि कैसे ओरिजिन एक्सटेंशन एंड डिस्पर्सल हुआ एक पर्टिकुलर टैक्सॉन का। थर्ड आ जाता है आपका एक्सपेरिमेंटल जू ज्योग्राफी, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रोसीडर्स हैं जिसको हम यूज़ करते हैं स्टडी करने के लिए ओरिजिन एक्सटेंशन एंड डिस्पर्सल होना एनिमल का। फिर आता है आपका लास्ट ब्रांच ऑफ दी जू ज्योग्राफी, डेट इस अप्लाइड जू ज्योग्राफी, जिसमें हम स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एनिमल का जिनकी मेडिकल इम्पोर्टेंस है। अब जो फादर हैं जू ज्योग्राफी के, उनका नाम है अल्फ्रेड रसेल वैलेंस। अब जो थर्ड मेजर ब्रांच है बायोजोग्राफी जी, जिसका नाम है इकोलॉजी। इकोलॉजी जो है वो आपका 2 ग्रीक वर्ड से डिराइव करता है, ओकोस जिसका मतलब होता है हैबिटेट एंड लॉगोस जिसका मतलब होता है स्टडी करना। तो इकोलॉजी जो है, इकोलॉजी एक स्टडी है कि कैसे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब इकोलॉजी की 2 मेजर ब्रांचेस हैं। इसकी और भी फर्दर ब्रांचेस हैं, बट जो 2 मेन ब्रांचेस हैं वो है आपकी ऑटोकोलॉजी और साइनोकोलॉजी। जो ऑटोकोलॉजी है, इसमें हम स्टडी करते हैं इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म का क्या रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ, तो इसलिए इसको हम पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। वाइल जो साइनोकोलॉजी है, इसमें हम स्टडी करते हैं ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म की उसका क्या रिलेशन है इन्वायरमेंट के साथ, इसलिए इसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। तो साइनो इकोलॉजी में जो ग्रुप्स आ जाता है उसकी स्टडी करते हैं, इसलिए इसको हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। अब जो टर्म इकोलॉजी है उसको अर्नेस्ट हेकेल ने काउंट किया था। जो फादर ऑफ इकोलॉजी है उनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जो फादर है मॉडर्न इकोलॉजी के उनका नाम है एग्विन ऑडम।
जिनकी एक बुक थी फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी। फिर जो फादर है इंडियन ज्योग्राफी, जिनका नाम है रामोडो मिश्रा, और जो टर्म इकोसिस्टम है वो आपका एजी टांसले ने काउंट किया था। ये जो टर्म्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हर एक एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब आता है आपका कि कैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुई बायो ज्योग्राफी की। 1767 में कार्ल स्वेंस ने इंट्रोड्यूस किया बायोनोमिनल नोमनक्लेचर, जो कि एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता था स्टडी करना स्पीशीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर। 1801 में अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आए, जिन्होंने प्लांट एंड एनिमल सर्वे को कंडक्ट किया लैटिन अमेरिका में, जो कि एक ग्राउंड वर्क था प्लांट ज्योग्राफी को लेके। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ को पब्लिश किया, जिसने लिबरलाइज किया जो अंडरस्टैंडिंग थी स्पीशीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन को लेके। 1876 में अल्फ्रेड रसेल वैलेंस ने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल को पब्लिश किया, और यहाँ पे इन्होंने बायो ज्योग्राफिक रिलीम्स के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया। 1890 में अल्फ्रेड वेगनर ने कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी दी, जहाँ पे इन्होंने अंडरस्टैंड किया पास्ट एंड न्यू प्रेजेंट स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन था। 1920 में रॉबर्ट एच मैक ऑथर एंड एडवर्ड ओ विल्सन ने थ्योरी ऑफ आइलैंड बायो ज्योग्राफी को डेवलप किया। 1967 में फाइलोजेनिक जो बायोजोग्राफी है उसको इवोल्यूशनरी बायोलॉजी के साथ कंबाइन किया इन बायोजोग्राफी के साथ, जहाँ पे इन्होंने हिस्टोरिकल जो रिलेशनशिप है ऑर्गेनिज्म का उसको अंडरस्टैंड करने में स्टडी किया। फिर 1980 में कंजर्वेशन बायोजोग्राफी इमर्ज हुई एज अ सब फील्ड, जो कि फोकस करती थी बायोजोग्राफिक जो प्रिंसिपल्स थे कंजर्वेशन को लेके उसका यूज़ करना। फिर 1990 में मॉलिकुलर टेक्निक जैसे कि डीएनए सीक्वेंसिंग, जिसका भी वाइडली यूज़ किया गया बायोजोग्राफी में। 2000 में क्या हुआ, रिमोट सेंसिंग एंड डीएस टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हुआ, जिसने लार्ज स्केल में जो एनालिसिस था स्पीशीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके उसको इनहेंस किया। अब नेचर क्या है बायोजोग्राफी का, बायोजोग्राफी एक ब्रांच है फिजिकल ज्योग्राफी की। बायोजोग्राफी इंटीग्रेट करती है जो प्रिंसिपल मेथड है वेरियस साइंटिफिक डिसिप्लिन के, जिसमें आपके बायोलॉजी, जूलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी एंड प्लांटोलॉजी आ जाती है, जिसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ ऑर्गेनिज्म का। यहाँ पे बायोजोग्राफर्स कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी को लेके, यहाँ पे इकोसिस्टम के डायनेमिक्स को लेके, ये क्या इम्पैक्ट हुआ क्लाइमेट चेंज का इसी स्पीसीज के एक्सिस्टेंस एंड उनके सर्वाइवल को। सो हम कह सकते हैं कि जो नेचर है बायोजोग्राफी का वो चाहे इंटरडिसिप्लिनरी है। अब हम स्कोप ऑफ बायोजोग्राफी की बात करते हैं। जो स्कोप है बायोजोग्राफी का, हम इसमें एग्जामिन करते हैं कि क्या रिलेशनशिप है कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम एंड प्रोपोगेशन एरियाज़ का। प्रोपोगेशन एरियाज़ में आपके आ जाते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, पॉन्ड, एस्चुरी। हम इसमें एनालाइज करते हैं स्पेशल एंड जो टेम्पोरल एफिनिटीज़ है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन को लेके। हम इसमें एवेलुएट करते हैं जो इकोलॉजिकल पोटेंशियल एरियाज़ हैं स्पीशीज़ को लेके प्लांट एंड एनिमल की, एंड जो पोटेंशियल जो कि इन्फ्लुएंस होते हैं बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर से। हम इसमें मेज़र करते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर का, और एक्सटेंशन कैसे हुआ सर्टेन स्पीसीज़ का किसी रीजन में। हम इसमें एक्सप्लोर करते हैं जो हिस्टोरिकल रीजंस हैं, जो पैटर्न्स हैं बायोटिक डिस्पर्जल के पास्ट में लार्ज एक्सटेंट में, जो कि इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आज के प्रेजेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को एज वेल। अब आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ बायोस्फेयर। जो बायोस्फेयर है वो आपका टू ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, एंड स्फेरिया जिसका मतलब होता है स्फीयर। तो जो टर्म बायोस्फेयर है उसको काउंट किया गया था जियोलॉजिस्ट एडवर्ड स्विस द्वारा 1875 में, और उन्होंने डिफाइन किया कि एक प्लेस है अर्थ के सर्फेस के जहाँ पे लाइफ ड्वेल्स करती है। ड्वेल्स का मतलब है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, तो इसको हम इकोस्फेयर भी कहते हैं। तो ये एक लाइफ सपोर्टिंग जोन है अर्थ के सर्फेस का, जहाँ पे एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर जाके कंबाइन और इंट्रैक्ट करता है, तो जिससे कि जो लाइफ है वो यहाँ पे पॉसिबल हो पाती है। तो बायोस्फीयर में आपके लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों आ जाते हैं। अब ये जो इमेज है वो शो कर रही है यहाँ पे जो आपकी थ्री लेयर्स है एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर, वो आपस में इंटरेक्ट कर रही है जिससे एक जोन बन रहा है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, जो कि लाइफ को सपोर्ट कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।